स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव। आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोंकोस्कोपी के बारे में। अब ब्रोंकोस्कोपी क्या है, कैसे परफॉर्म होती है, ब्रोंकोस्कोप क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। ब्रोंकोस्कोपी को समझो, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ब्रोंकोस्कोप के बारे में। दो टाइप्स के होते हैं, एक है रिजिड, एक है फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल जो है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं रिजिड को। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है एक रिजिड ब्रोंकोस्कोप। अब रिजिड ब्रोंकोस्कोप से हम अंदर की ओर इतना डीप में नहीं देख सकते। आउटर पार्ट ऑफ नोज एंड ईयर को हम देख सकते हैं, माउथ को देख सकते हैं, लेकिन इनर पार्ट को नहीं देख सकते। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप तब एप्लीकेशन में आता है जब हमें लंग्स की जांच करनी है या फिर यहां से जांच करनी है जहां से आगे रिजिड ब्रोंकोस्कोप नहीं जाता है। तो यहां पे मोस्टली अगर आपने कभी ईएनटी डॉक्टर को देखा होगा तो उनके पास जो स्कोप होता है वह रिजिड ब्रोंकोस्कोप, जिससे आउटर पार्ट्स को देखा जाता है, ईयर वैक्स के लिए, नोज में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए, या फिर ईयर में, माउथ में कोई आउटर पार्ट में कुछ है कि नहीं, तो वो चीजों के लिए रिजिड ब्रोंकोस्कोप का यूज होता है। लेकिन जब वहां पे लिमिटेशन आ जाती है, जहां वहां पे आगे की ओर देखना है, तब फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप जो है वो काम में आता है। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें भी दो टाइप्स पड़ जाते हैं, एक डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक। दोनों के बारे में हम डिटेल में आज ही वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आगे ले जाओ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा, अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं, मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दो करो। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है यहां तक तो लाइक कर दो और आगे देखते रहो। यहां पे दोस्तों जब फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी की बात आती है तो दो तरह की हो सकती है, एक है डायग्नोस्टिक, दूसरी है थेरेपेटिक। डायग्नोस्टिक के बारे में पहले बात करते हैं। मान लीजिए डॉक्टर जो है वो स्कोप अंदर डाल रहा है, उसके बाद वो जो चीजें चेक करनी है वो चेक करके स्कोप बाहर निकाल दे रहा है और फिर पेशेंट को या फिर कोई इंजेक्शन या फिर कोई मेडिकेशन कोर्स जो है वो सजेस्ट करता है कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है, तो वो बन जाएगा डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें डॉक्टर से पता कर रहा है कि पेशेंट को अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मेडिसिन आउटर साइड से जा रही है। दूसरी यहां पे इस तरह से हो सकती है जिसमें थेरेपी भी दी जाए। ब्रोंकोस्कोप के साथ साथ ही एक लेजर इंसर्ट किया जाता है, जिससे अगर कोई ट्यूमर है तो वो लेजर की मदद से वो ट्यूमर की साइज कम की जा सकती है, फिर वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये हो गई थेरापेटिक ब्रोंकोस्कोपी। इसके साथ साथ ही अगर डॉक्टर को बायोप्सी लेनी है तो वो भी यहां से ले सकता है। एक बायोप्सी गाइड वायर ब्रोंकोस्कोप से इंसर्ट किया जाता है और फिर वहां से बायोप्सी कलेक्ट करके बाहर खींच ली जाती है। यहाँ पे ये ब्रोंकोस्कोप मशीन एक है, लेकिन इसे काफी ज्यादा सपोर्टिव मशीन की जरूरत पड़ती है। बैकेंड से जो मशीन लाइट देता है, पानी देता है, वैक्यूम, तो वो सारी चीजें बैकेंड से होती है, तो उसके लिए जो सेटअप है वो एंडोस्कोपी वाला सिमिलर है, उसमें कोई और सेटअप की जरूरत होती नहीं है। रिकॉर्डिंग स्क्रीन जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि अंदर स्कोप क्या देख रहा है, क्या कहां जा रहा है, तो वो सारी चीजें के लिए एक रिकॉर्डिंग स्क्रीन होती है। वो सारी चीजें डिटेल में मैंने एंडोस्कोपी वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो वीडियो को जरूर से देखें ताकि वो पता चले कि सपोर्टिव सिस्टम में कौन कौन से मशीन जो है वो आते हैं। हम बेसिकली उसे एंडोस्कोपी टावर कहते हैं, क्योंकि वो एक टावर की तरह होता है जिसमें सारे मशीन जो है वो माउंट किए जाते हैं। तो ये बात हुई ब्रोंकोस्कोपी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये कौन परफॉर्म करता है। दो टाइप्स के डॉक्टर जो इसे परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो पल्मोनोलॉजिस्ट है, दूसरा है थोरासिक सर्जन। तो ये दो ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे भी है कि क्यों करवाई जानी चाहिए ब्रोंकोस्कोपी। अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लंग रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कफिंग हो रहा है, कफिंग के साथ ब्लड आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से डॉक्टर जो है वो ब्रोंकोस्कोपी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे रीजंस हो गए। अब यहाँ पे रिजिड का यूज करना है, फ्लेक्सिबल का यूज करना है, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, क्या एग्जामिन करना है, तो वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है। रिसेंटली मैंने एक ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नाक में इरिटेशन हो रहा था, तो वो वहां पे जो मेरी जांच हुई वो ही रिजिड ब्रोंकोस्कोप से, क्योंकि वहां पे इतना डीप देखना था नहीं, जो देखना था वो बाहर से ही दिख रहा था, राइट। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पे, पेशेंट की कंडीशन पे, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज भी कंसिडर करनी पड़ती है। तो ये सारी बात हो गई ब्रोंकोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोपी के बारे में। सबसे पहले हमने बात की टाइप्स ऑफ ब्रोंकोस्कोप के बारे में, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। उसके बाद हमने बात की फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप के बारे में,
उसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स के बारे में। आशा रखता हूँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके वीडियो में दी हो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो, ताकि वो बहुत ही जल्दी मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए लेके आ सकूं। अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। जल्दी ही फ्रेश कंटेंट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।